हेलो दोस्तों, आज हम बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन दानापुर जंक्शन के बारे में जानेंगे। दानापुर जंक्शन से भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए आसानी से ट्रेनें मिल जाती हैं। यह जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर रेलवे डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। यह जंक्शन दानापुर के लोग के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दानापुर जंक्शन दानापुर के लोगों के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छी सर्विस प्रदान करता है। दानापुर जंक्शन को 1925 में बनाया गया था। दानापुर जंक्शन का स्टेशन कोड है DNR। दानापुर जंक्शन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करती है, जिसका डिवीज़न दानापुर है। दानापुर जंक्शन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं और 10 ट्रैक्स हैं, यानी 10 पटरियां हैं, जिनको सन 2000 में इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था। दानापुर जंक्शन पर कैटरिंग यानी खान पान, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, वाईफाई, वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, वाटर, टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटो रिक्शा पार्किंग की फैसिलिटी है। दानापुर जंक्शन से अलग अलग रेलवे लाइन जाती हैं, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, पटना मुगलसराय सेक्शन, पटना सोनपुर हाजीपुर सेक्शन। इतनी रेलवे लाइन होने की वजह से यह रेलवे स्टेशन बहुत ही व्यस्त है। दानापुर जंक्शन को समुद्र तल से 58 मीटर्स यानी 190 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। दानापुर जंक्शन से डेली 1 लाख से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। दानापुर जंक्शन पर टोटल 137 ट्रेनों का स्टॉपेज है, यानी 137 ट्रेनें यहाँ आती हैं, रुकती हैं और फिर रवाना हो जाती हैं। दानापुर जंक्शन से 19 ट्रेनें स्टार्ट होकर अलग अलग शहरों के लिए रवाना होती हैं और 18 ट्रेनें यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं। दानापुर जंक्शन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फुलवारी शरीफ है, जो कि मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग पटना के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।